जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहां भी हमने जम्मू की दो सीटों पे लड़ा और कश्मीर की तीन सीटों पे हमने अपने अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की। और हमारे दोनों साथी रमन बल्ला साहब जम्मू से लड़े और चौधरी लाल सिंह जी कठुआ उधमपुर से लड़े, चनाब वैली से भी। तो एक अच्छा इलेक्शन हमने लड़ा और मैं उन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने हमको वोट दिया और दोनों सीटों पे हमने 10 लाख के करीब वोट लिया, चाहे लाल सिंह जी ने लिया या रमन बल्ला साहब ने लिया, 10 लाख के करीब वोट लिया। और जो वोट परसेंटेज हम रजौरी पूंछ से लेते थे, बदकिस्मती से वो एरिया कश्मीर में डाल दिया, नहीं तो आज हम 2-3 लाख से ये सीट जीत गए थे। चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, जो लोगों का मंशा होता है वही होता है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एज पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारी बढ़ी। पिछली बार हम उधमपुर की सीट जो है करीब करीब 4.5 लाख वोटों से हारे थे और इस बार हम उधमपुर की सीट 1.25 लाख वोट से हारे। इसका मतलब है कि 3.25 लाख वोट वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। इसी तरीके से जम्मू में अगर रजौरी पूंछ को कट किया जाए, जो हमने वोट लिया था रजौरी पूंछ से, तो हमने 2.25 लाख वोट टोटल लिए थे। जो हम अपनी कैलकुलेशन को कट करते हैं तो 2.25 लाख से हम 5.5 लाख 5.25 लाख पे पहुंच गए। 5.5 लाख 1000 वोट हमने 2.25 लाख से क्रॉस करके 5.5 लाख 1000 तक पहुंचे। वजह काफी चीजें थी, एक वजह यह था कि हम नहते खाली हाथ इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज हुए थे, हमें पार्टी से 10 पैसे की कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद दूसरी चीजें भी काफी फैक्टर है, जो अपोजिट पार्टी है उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है। मैं अपने एरिया की बात करूंगा कि एक रात में मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट खरीदा गया 2-3 लाख रुपए में, एसटी समाज का ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से खरीदो फरोख्त बहुत हुई दोनों इलेक्शन में, चाहे उधमपुर में हुई चाहे जम्मू में हुई, और अपोजिट हमारे पास कोई पैसा ही नहीं था। तो जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ियां वर्करों ने माँ पैसा लगाया, खुद वर्करों ने तेल डाला, खुद वर्करों ने काम किया, तो हम उन वर्करों का भी शुक्रगुजार हैं। जैसे बीजेपी ने 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आ रही है, क्योंकि जो भी गारंटी और जो भी वादे बीजेपी ने किए थे वो वादे कहीं ना कहीं फेल हो गए उनके। जो चाहे वो रोजगार के वादे थे, चाहे 15 लाख के वादे थे, चाहे किसानों का कर्जे का माफ वादा था, चाहे डेली वेजर परमानेंट करने का वादा था, वो वादे उल्टे हुए। हमारी स्टेट जो है बर्बाद कर दी गई, उसको यूटी बनाया गया, उसके 2 हिस्से किए गए। इसी तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी 1 पे है, ये तो आंकड़ों में दिखाते हैं, हरियाणा 1 है, 2 है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर 1 पे है, क्योंकि ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, जैसे फौज और पुलिस की भर्तियां भी खत्म कर दी गई। इसी तरीके से घर घर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जम्मू का कारोबार यहाँ के दरबार मुंह से खत्म किया गया, यहाँ की जमीनों का कारोबार था वो खत्म हुआ, सब कुछ इफेक्ट पड़ा। उसी की वजह है कि हमारा वोट परसेंटेज इतना बढ़ा।